रुक जाओ, मिट्टी ये नहीं है इधर। तो भाई यहाँ पे ट्रेन चल चुकी है, आपको ड्राइव लेफ्ट करके दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में। तो आपको अच्छा लगे तो बताना, लास्ट में जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना भाई, अभी कर दो, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब कर देना, सब कर देना जो नीचे आता है ना। सो व्हाट्सअप गाइस, तो हमने ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह सब पी लिया है, और यहाँ पे मम्मी है, यहाँ पे पापा है, कुछ तो फिर ये ऐसे कुछ बाहर के नज़ारे और मम्मी और विक्की लड़ते हुए। हाँ लड़ना बंद कर दो, कैमरे घूमते फिर बात है। मम्मी और विक्की के बीच में और पापा वो के तेरी और तेरी लड़ाई होगी चुके हैं, और हल्द्वानी स्टेशन में थोड़ा वेट कर रहे हैं, जिन्हें हमने बुलाया था यहाँ से आगे घर तक जाने के लिए, उन्हें थोड़ा लेट हो गया। तो बाहर काफ़ी धूप हो रही है, तो यहाँ फ़ैन के नीचे आराम से बच्चे खड़े हैं। तो यहाँ का देखिए धूप थोड़ा सा इस तरीके से तेज हो रही, इतनी भी गर्मी शुरू नहीं हुई है जैसे लग रहा था कि बहुत गर्मी हो रही होगी। ऐसे ऐसे क्या है, तो सफ़र आपको आगे हम लोग दिखाएंगे। तो हल्द्वानी से आगे निकलने से पहले हम लोग थोड़ा लंच खा लेते हैं, उसी के लिए रुके हुए हैं। कैसा लग रहा है मिकी इशू? अरे रुक जाओ, ताज़ा खाना हो। तो फ्रेंड्स सब कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी है, उसके बाद आगे का सफर शुरू कर रहे हैं। कितना सुंदर पहाड़ है, ये पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये सारे टूरिस्ट की बस यहाँ पे आ रही है जा रही है, कुछ बच्चे आके वहाँ खड़े भी हो गए हैं। तो यहाँ जंगल के बीच में हम लोग फंस गए हैं, क्योंकि हमारी जो कार है उसका जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है, तो उसी को वो लोग चेंज कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थक भी चुके थे गाड़ी में बैठे बैठे, तो बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं। Thank you.
तो फाइनली 5 से 6 घंटों का लंबा रास्ता तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में। और यहां आते ही इन सुंदर सुंदर नज़ारों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरी थकान चली गई है। बस 5 या 10 मिनट में हम लोग अपने घर में पहुंच चुके होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।